पंथ दी मां माता साहिब कौर जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे ज्योति जोत समा जान तो बाद पंथ खालसे दी अगुवाई करदियां अठ हुक्मनामे जारी करन वाले खालसे दी रूहानी मां माता साहिब कौर जी दा जीवन इतिहास। संगत जी, सब तो पहला आप सारिआं नूं धन धन माता साहिब कौर जी दे पावन जन्म दिहाड़े दियां बेअंत वधाइयां। सेवा अते निमरता दी मूरत माता साहिब कौर जी नूं दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने संसार दे सर्व उच्च पंथ खालसे दी माता होण दा माण बख्शिश कर दिया, औरत दे गौरव नूं बुलंद कीता सी। पाकिस्तान दे जेलम जिले दे विच पैंदे रोहतांश पिंड विखे भाई रामा जी दे घर माता जस देवी दी पवित्र कुखों नवंबर 1681 नूं जन्मे माता साहिब देवा जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे दर्शना दे लई श्री आनंदपुर साहिब आए तां गुरु साहिब दे दर्शन करके इन्ने प्रभावित होए कि अमृत छक के साहिब कौर बन गए अते उन्हां ने अपना समुच्चा जीवन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी सेवा विच अर्पित करन दा दृढ़ निश्चा कर लिया। माता साहिब कौर जी दे पिता भाई रामा जी गुरु घर दे वड्डे श्रद्धालु सन, जिन्हां ने किरत करो नाम जपो अते वंड छको दे सिद्धांत नूं मुख रखदिआं अपनी पुत्री साहिब देवा दे अंदर भी गुरबाणी प्रति अथाह प्यार भर दिता सी। बचपन विच ही बहुत सारियां बाणियां कंठ कर लैण वाले माता साहिब कौर जी नूं इलाके दे लोक बहुत ही सन्मान अते सत्कार दे नाल वेखदे सन। पिता भाई रामा जी आप जी नूं तां गुरु घर दी ही इमानत समझदे सन। इसे लई जदों भाई रामा जी श्री आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे दर्शनां दे लई पहुंचे तां उन्हां ने गुरु साहिब नूं बेनती कीती कि साहिब देवा आप जी दी ही इमानत है, इस नूं अपनी सेवा दे विच ही रखो, अपना आप गुरु साहिब जी दे चरणा दे विच समर्पित करन वाले माता साहिब कौर जी जिन्ना चिर गुरु साहिब दे दर्शन नीना करदे सन उन्ना चिर ना कुछ खांदे सन ते ना ही पींदे सन। माता साहिब कौर जी दी सेवा निम्रता अते त्याग नूं वेखदिआं गुरु साहिब ने आप जी नूं खालसे दी माता दा सत्कार बख्शिश करदिआं वचन कीते कि मैं समुच्चा खालसा पंथ आप जी दी झोली विच पाउंदा हां। अज तो संसार आप जी नूं खालसे दी माता दे रूप विच जानेगा। खालसे दी माता दा रुतबा प्राप्त करन वाली रूहानियत दी मूरत ममता दा सागर तन तन माता साहिब कौर जी नूं असी सत्कार साहित सिजदा करदे हां।